अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज षट गोस्वामियों में हम शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जीवन चरित्र देखेंगे। ये सारे गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इन सभी गोस्वामियों के ऊपर अतिशय कृपा की है। बहुत कम समय साथ में बिताए हैं लेकिन सभी के भीतर शक्ति का संचार किया। तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत ज्यादा साधु का संग नहीं चाहिए लेकिन साधु की कृपा चाहिए। विशेष रूप से ऐसे आचार्यों का संग जिनको भी प्राप्त होता है वे आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी हैं तपन मिश्र। तपन मिश्र के बारे में हमने चर्चा की थी। चैतन्य महाप्रभु जब पूर्वी बंगाल गए थे तो पूर्वी बंगाल में उन्होंने तपन मिश्र से मिले थे। उन्होंने प्रश्न पूछे थे साध्य और साधन, तो महाप्रभु ने कहा था हरिनाम करना और मैं आपसे बनारस में मिलूंगा। महाप्रभु के आदेश को पाकर तपन मिश्र काशी बनारस आ गए और वहाँ पर रहने लगे। बाद में चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद नीलाचल से वृंदावन की यात्रा पर जाएंगे तो वहाँ तपन मिश्र के घर में रुके। तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्ट जो 1503 ईस्वी में प्रकट हुए, तो जब चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ आए तो उस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सेवा की। उस समय रघुनाथ भट्ट एक बालक थे, तो क्या सेवा की? अब भोजन प्रसाद लेने के बाद जाके उनका पाद संवाहन कर देना, पैर दबा देना, उनकी थाली लेकर थोड़ा साफ कर देना, बर्तन माजना, यही सेवा की उन्होंने। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पाकर चैतन्य महाप्रभु से श्रवण करके उनका मन आकृष्ट हो गया। वे जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कभी माता पिता की सेवा करो। चैतन्य महाप्रभु चले गए वृंदावन। वृंदावन जाने के बाद द्वादश वन का दर्शन किया, फिर वहां से जब लौट कर आएंगे महाप्रभु तो पुनः एक बार तपन मिश्र के घर में रुकेंगे। तो इस कथा के का विवरण श्री चैतन्य चरितामृत में आता है। चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 13 में एक वर्णन है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं इस कथा को
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कबीराज गोस्वामी कहते हैं, एथा तपन मिश्र पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य प्रभु रे देखिते चलीला छाड़ी सर्व कार्य। यानी तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य ने सारा काम काज त्याग कर महाप्रभु से मिलने की इच्छा से अपना घर छोड़ दिया। काशी हैते चली लाते हो गौड़ पथ दिया संगे सेवक चले तारा झाली बाहिया। लेकिन तपन मिश्र इनके पिताजी भक्त हैं तो ऐसे घर से भागने की आवश्यकता नहीं है। उनके पिताजी ने अनुमति दे दी जाने के लिए, साथ ही साथ एक सेवक भी दे दी कि साथ में सेवक को लेकर जाओ कहाँ नीलाचल, क्योंकि महाप्रभु वहीं रहते थे। साथ में उनकी माता जी ने महाप्रभु के लिए कई प्रकार के पकवान बनाकर दिए, उसको अच्छे से पैकिंग करके जो महीनों में खराब नहीं होंगे ऐसी मिठाइयाँ। तो ये सब लेकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नीलाचल की ओर प्रस्थान करने लगे। तो साथ में एक सेवक है जो उनका सामान ढोने के लिए। पथे तारे मिलीला विश्वास रामदास विश्वास खानार कायस्ते हो राजा रा विश्वास। तो बंगाल में वे रामदास विश्वास से मिले। जब वे काशी से पुरी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक भक्त हैं रामदास, जिनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ब्राह्मण परिवार से हैं। तो रामदास ने, चूंकि रघुनाथ ब्राह्मण हैं तो श्रेष्ठ हैं, तो उनकी सेवा में लग गए। सर्वशास्त्रे प्रवीण काव्य प्रकाश अध्यापक परम वैष्णव रघुनाथ उपासक। जैसा कि नाम है रामदास, तो ये किसके भक्त थे? भगवान राम के, रघुनाथ के बड़े उपासक हैं। और एक ग्रंथ है काव्य प्रकाश, ये दूसरों को पढ़ाते हैं। अष्ट प्रहर राम नाम जपे न रात्रि दिने सर्वत्यजी चलीला जगन्नाथ दर्शने। अष्ट प्रहर यानी 24 घंटे राम नाम राम 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 जपते थे। अब सब कुछ यह भी छोड़कर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाने लगे। रघुनाथ भटेर सने पथे ते मिलीला भटेर झाली माथे करी बहिया चलीला। जब रास्ते में रघुनाथ भट्ट से मिले तो उन्होंने रघुनाथ का सारा सामान अपने सिर पर रख लिया और उसे उठा ले चले। लेकिन ये बात रघुनाथ भट्ट को अच्छा नहीं लगा कि आप मेरा सामान क्यों ढो रहे हैं। केवल यही नहीं, नाना सेवा करी करे पाद संवाहन ताते रघुनाथेर है संकुचित मन। केवल सामान ही नहीं लेके जाते बल्कि, मुझे दीजिए वो रिमोट, केवल सम्मान ही नहीं ले जाते बल्कि उनका पाद भी संवाहन करते। लेकिन ये बात रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, संकोच हो रहा था उन्हें। तो फिर भी वे कहते हैं, तुम बड़ लोक पंडित महाभागवते। रघुनाथ भट्ट कहते हैं उस रामदास को कि आप तो विद्वान व्यक्ति है, सेवा ना करी सुखे चलो मोर साथे, तो कृपया आप मेरी सेवा करने का प्रयास न करें। हाँ ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। रामदास कहे आमी शूद्र धाम ब्राह्मणेर सेवा यही मोर निज धर्म। उस रामदास ने कहा कि हम तो शूद्र जाति में जन्म लिए हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ब्राह्मण की सेवा करूं। संकोचना करो तुमी आमी तुमार दास तुम्हारा सेवा करीले हय हृदय उल्लास। तो रामदास ने रघुनाथ भट्ट को कहा कि आप संकोच न करें, मुझे सेवा करने का यह मौका मिला है, मेरा सौभाग्य है और आपकी सेवा करके मैं आनंदित हूँ। यानी सेवा करने वाले व्यक्ति को आनंद का अनुभव होना चाहिए। यदि सेवा करते समय वो प्रसन्न नहीं है तो फिर सेवा अधूरी मानी जाएगी। कहते हैं सेवा में दोनों प्रसन्न होने चाहिए, सेवा करने वाला भी और जिसकी सेवा की जाती है वो भी प्रसन्न हो। नहीं तो यदि इसमें से कोई एक व्यक्ति अप्रसन्न होगा, जैसे सेवा करने वाला यदि अप्रसन्न है
तो कहेंगे कि एक तरह से शोषण हो गया। और जिसकी सेवा कर रहे हो यदि वो प्रसन्न नहीं है तो फिर आपने जो उद्देश्य है सेवा करने का वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए रामदास कहते हैं कि संकोच न करें, मैं तो आपका दास हूं और सेवा करके मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। एतबली झाली बहन करे न सेवने, रघुनाथेर तारक मंत्र जपेन रात्रि दिने। तो इस प्रकार रघुनाथ भट्ट का समान झोला उठाकर चल रहे थे और मुंह में दिन रात भगवान राम के नाम का निरंतर जप करते रहे। ऐ मते रघुनाथ आइला नीला चले, प्रभुर चरणे जाया मिलीला कुतूहले। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नीलाचल आ गए महाप्रभु से मिलने के लिए, उनके चरण कमलों में गिर पड़े। दंड प्रणाम करी भट्ट पढ़िला चरणे, प्रभु रघुनाथ जानी कैला आलिंगने। भट्ट गोस्वामी जब महाप्रभु के चरणों में इस प्रकार दंडवत प्रणाम किए तो महाप्रभु समझ गए कि कौन है। उन्होंने तुरंत उनका आलिंगन किया और हालचाल पूछा। मिश्र आर शेखरेर दंडवत जनाइला, महाप्रभुता सवार वार्ता पूछिला। इधर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने पिताजी तपन मिश्र की ओर से दंडवत प्रणाम किया, साथ में चंद्रशेखर आचार्य की ओर से दंडवत प्रणाम किया। तो महाप्रभु ने भी पूछा, भाल हैला आइला देख कमल लोचन, आजी आमर एथा करीब प्रसाद भोजन। तो अच्छा है तुम आ गए, तो अच्छा है तुम कमल लोचन कौन है, भगवान जगन्नाथ। तो जाओ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो और अभी मेरे साथ तुम भोजन प्रसाद ग्रहण करना। यानी पहले भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो और उसके बाद भोजन प्रसाद लो। पहले दर्शन करना चाहिए। गोविंदेरा कही एक बासा देवाईला, स्वरूपादि भक्त गण सने मिलाईला। महाप्रभु के सेवक हैं गोविंद, तो गोविंद से महाप्रभु ने कहा कि भट्ट के रहने के लिए, रघुनाथ भट्ट के रहने के लिए व्यवस्था करो, साथ ही साथ उन्हें कोई एक बासा कहते हैं रहने का स्थान, गेस्ट हाउस दे दो उनको। सारे भक्तों से उनका परिचय कराया कि ये हैं स्वरूप दामोदर, ये हैं मुकुंदत, ये हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, जो लोग भी आए थे वहाँ। ऐ मत प्रभु संगे रहिला अष्टमास, दिने दिने प्रभुर कृपाए बढ़ाए उल्लास। इस प्रकार 8 महीने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे और प्रतिदिन दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। मध्य मध्य महाप्रभुर करे न निमंत्रण, घर भात करे नार विविध व्यंजन। तो मध्य मध्य महाप्रभु करे न निमंत्रण, जहाँ भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रहते थे तो अपने घर में चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करते, क्यों, भोजन के लिए। और बहुत ही अच्छे रसोइये थे, बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन बनाते थे जो महाप्रभु को बहुत पसंद थे। तो इस प्रकार से रघुनाथ भट्ट चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते। रघुनाथ भट्ट पाके अति सुनिपुण, अति सुनिपुण यानी कि भोजन बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट थे वो। जेई रांधे सेई है अमृते रसम, वो जो बनाते थे वो अमृत तुल्य होता, यानी महाप्रभु के प्रिय कुक हो गए। परम संतोषे प्रभु करे न भोजन, प्रभुर अवशिष्ट पात्र भटेर भक्षण। तो महाप्रभु रघुनाथ भट्ट के द्वारा बनाए गए भोजन को बहुत ही संतोष के साथ ग्रहण करते थे और बाद में अपना उच्छिष्ट महाप्रसाद उन्हें प्रदान करते थे। रामदास जदि प्रथम प्रभु रे मिलिला, महाप्रभु अधिक तारे कृपा ना करिला। और साथ में एक भक्त आए थे ना रामदास, लेकिन रामदास की ओर महाप्रभु ने ध्यान भी नहीं दिया। कारण क्या है, अरे तो दिन भर भगवान राम का नाम लेते हैं, इतना वैष्णव सेवा किया, उन्होंने झोला उठाया, पाद सम्मान किया, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्रति कृपा नहीं किया। कारण है उसका, कारण ये है कि केवल बाहर से भक्ति दिखा रहा है, अंदर में कुछ और भावना थी उनकी। अंतरेर मुमुक्षुते हो विद्या गर्भवान, सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। चैतन्य महाप्रभु समझ गए केवल बाहर से राम राम कर रहा है, अंदर में मोक्ष की कामना है,
और विद्या का गर्व है, इसलिए महाप्रभु उनके अंतर स्थिति को समझकर उनके अहंकार के कारण महाप्रभु थोड़े से उनको ऐसे नेग्लेक्ट किए। रामदास कैला तबे नीला चले वास, पट्ट नायक गोष्ठी के पढ़ाया काव्य प्रकाश। रामदास वहीं नीलाचल में रहे और वहाँ पटनायक परिवार यानी कि भवानंद राय, रामानंद राय के पिताजी और उनके परिवार को उन्होंने काव्य प्रकाश पढ़ाने लगे। अष्टमास रही प्रभु भटे विदाई दिला, विवाह न करी बलि निषेध करिला। आठ महीना रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने जब विदाई दिया उनका, जब रघुनाथ भट्ट जाने लगे, फिर से कहाँ गए हो? काशी। तो उन्होंने दो उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि तुम विवाह नहीं करना क्योंकि उन्होंने देखा कि ये इतना विरक्त है, क्या जरूरत है? जो व्यक्ति इतना अच्छा रसोई कर सकता है, कपड़ा धो सकता है, हाँ, तो क्या जरूरत है शादी करने की ऐसे सुखी रह सकता है और इतनी भक्ति मिल गई उसको। व्यक्ति शादी करता है संसार में सुखी रहने के लिए, तो जो व्यक्ति बिना ये सब किए इतना सुखी है तो उसको क्या जरूरत है संसार में फंसने की। तो उन्होंने कहा जाओ तुम वैष्णवों से शास्त्र का अध्ययन करना और विवाह नहीं करना, लेकिन साथ एक और उपदेश दिया उन्होंने। वृद्ध माता पितर जाई करह सेवन, वैष्णव पास भागवत कर अध्ययन। क्योंकि तुम्हारे माता पिता वैष्णव हैं तपन मिश्र, तो उनकी सेवा करना, क्योंकि वृद्ध हैं वो, और साथ ही साथ वैष्णव से भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना, भागवत का अध्ययन करना। पुनरपि एक बार आसी हनीला चले, एत बलि कंठ माला दिला तार गले। महाप्रभु ने कहा कि फिर से एक बार आना तुम नीलाचल, और अपने गले की कंठी माला खोलकर चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दिया, यानी कृपा है ये महाप्रभु की। आलिंगन करी प्रभु विदाई तारे दिला, प्रेमे गर गर भट्ट कांदिते लगिला। तो महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को आलिंगन किया, उन्हें विदाई किया, लेकिन रघुनाथ भट्ट प्रेम से विवल होकर ये जो बिच्छू है, जो विरह है, इसके कारण भट्ट रोने लगे। स्वरूपादि भक्त ठाई आज्ञा मांगिया, वाराणसी आइला भट्ट प्रभु आज्ञा पाया। इस प्रकार स्वरूप दामोदर अन्य अन्य भक्तों से मिलकर सबको प्रणाम करके रघुनाथ भट्ट वाराणसी चले गए। चारि वत्सर घरे पिता मातर सेवा कैला, वैष्णव पंडित ठाई भागवत पढ़िला। चार वर्ष तक माता पिता की सेवा किया, यानी जब तक उनके माता पिता अप्रकट नहीं हो गए तब तक उनकी सेवा की उन्होंने, और साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया, और जब वे अप्रकट हो गए तो उसी समय वे फिर से जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। पिता माता काशी पाइले उदासीन हैया, पुनः प्रभु ठाई आइला गृहद गृह आदि छाड़िया। पूर्ववत अष्टमास प्रभु पास छिला, अष्टमास रही पुनः प्रभु आज्ञा दिला। तो पहले की तरह फिर से आठ महीना वे चैतन्य महाप्रभु के पास रुके। तब महाप्रभु ने आदेश दिया कि अब तुम कहाँ जाओ? वृंदावन जाओ, क्योंकि महाप्रभु कुछ पूरा कराना चाहते हैं गोस्वामियों के द्वारा। और वृंदावन में किसके पास जाओ? कहते हैं आमार आज्ञा है रघुनाथ जहा वृंदावने, तहाँ जाइया रह रूप सनातन स्थाने। वहाँ जाकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत में रहना, क्योंकि वो सीनियर डिवोटी हैं, और उनके पास रह के फिर भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना। तो कितना आदेश मिल गया? पहला आदेश मिला कि तुम अविवाहित रहना, दूसरा आदेश मिला था कि घर जाओ माता पिता की सेवा करो, वृद्ध माता पिता हैं, तीसरा आदेश मिला था भागवत का अध्ययन करो वैष्णव से, अभी चौथा आदेश मिला कि वृंदावन जाओ और वहाँ पे रूप सनातन के अनुगत में रहकर भक्ति करना। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। तो तुम जाओ भागवत पढ़ो, सदा भगवान का नाम जपो, और शीघ्र ही श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो वर्णन आता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चार मधुर ध्वनि में भागवत के श्लोकों का पाठ करते थे,
यानी एक एक श्लोक को चार प्रकार से, और इतने भाव विभोर होकर भागवत पाठ करते थे कि सारे ब्रजवासी सुनने के लिए आते थे, उनके कुटिया के सामने भीड़ लग जाती थी और जो ग्रंथ है वो उनके आंसू से गीला हो जाता था पूरा, ये गल जाता था पेज। इस प्रकार से भावपूर्ण होकर भागवत पढ़ते थे। एतबलि प्रभु तारे आलिंगन कैला, प्रभु कृपाते कृष्ण प्रेमे मत्त हैला। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए और फिर उनको इस प्रकार वृंदावन भेज दिया। चौदह हाथ जगन्नाथेर तुलसीर माला, छूटा पान बीड़ा महोत्सव पाया छेला। पहले क्या दिया था महाप्रभु ने, अपने गले की कंठी माला दी थी, इस बार क्या दिया, 14 हाथ के जगन्नाथ की तुलसी माला। एक महाप्रसाद है ये, जो जगन्नाथ को तुलसी माला ऑफर किया जाता है वही माला चैतन्य महाप्रभु को ला कर दिया हुआ किसी ने, तो महाप्रभु ने वही तुलसी माला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दिया। से माला छूटा पान प्रभुर तारे दिला, इष्ट देव करी माला धरिया रखिला। और साथ में महाप्रभु ने उनको पान भी दिया था, जगन्नाथ जी का चबाया हुआ पान प्रसाद के रूप में, और ये पूरे जीवन पर्यंत रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने उसको बहुत ही संभाल कर अपने पास आराध्य देव की तरह, ये पूजनीय है। एक शिक्षा यहाँ पर, यदि कोई गुरु वैष्णव हमें इस प्रकार का उपहार देते हैं तो उसको सामान्य वस्तु नहीं समझना चाहिए, उसको वो आराध्य समझ कर उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे मानो किसी ने आपको कोई ग्रंथ दिया, किसी ने आपको अपना जप माला दिया, एक तुलसी माला दिया, या अन्य कुछ, चाहे पेन भी क्यों ना दिया, मानो प्रभुपाद जी आपको एक पेन देंगे, वो क्या पेन सामान्य है, वो पेन को कितना संभाल के रखेंगे हम। तो वैसे ही अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं गुरु वैष्णव की स्थिति क्या है, लेकिन हमें उनके द्वारा प्राप्त कोई भी यदि सुविधा है, कोई उपहार है, तो उसको हमें संभाल के रखना चाहिए, ऐसे असावधानी से नहीं रखना चाहिए। प्रभु ठाई आज्ञा लैया गेला वृंदावने, आश्रय करीला आशी रूप सनातने। महाप्रभु की आज्ञा लेकर रघुनाथ भट्ट वृंदावन चले गए और वहाँ वे रूप सनातन गोस्वामियों के संरक्षण में रहने लगे। रूप गोसाई सभाय करें भागवत पाठन, भागवत पढ़िते प्रेमे आउलाउतार मन। रघुनाथ भट्ट सनातन की संगति में श्रीमद् भागवत पढ़ने लगे, कृष्ण प्रेम से अभिभूत हो उठते थे, तो उनके शरीर में ऐसे लक्षण आते थे, अश्रुकंप गदगद प्रभुर कृपाते, नेत्र कंठ रोधे वाष्प ना पारे पढ़िते। अश्रु प्रवाहित होता, कंपन होता शरीर में, गदगद हो जाते, नेत्र कंठ रोध, नेत्र में भी आंखों में आंसू और कंठ में वाष्प, यानी कंठ में जब वाष्प, यानी कि जब पानी गर्म हो जाता है तो वाष्प कहते हैं ना उसको, भाप बन जाता है, तो वैसे ही जब गले में वाष्प, शरीर पेट की जो गर्मी है उससे, या कुछ ये अष्ट सात्विक विकार है, इस प्रकार वाष्प गले में आ जाता तो गला अवरुद्ध हो जाता, ना पारे पढ़ी थे, फिर पढ़ नहीं पाते थे। पिक स्वर कंठ ताते रागेरा विभाग, एक श्लोक पढ़िते फिर आए तीन चारी राग। उनकी वाणी कोयल की वाणी की तरह मधुर वाणी थी और हर श्लोक को तीन चार अलग अलग रागों में सुनाते थे, जो बहुत ही मधुर लगता था। कृष्ण र सौंदर्य माधुर जबे पढ़े सुने, प्रेमे तिहल तबे किछु ही ना जाने। जब वे श्री कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का पाठ करते या सुनते तब वे प्रेम से विह्वल हो उठते और सब कुछ भूल जाते थे। तो इस प्रकार रघुनाथ भट्ट ने 40 वर्षों तक ब्रज में और अपने हाथों से उन्होंने गोविंद देव की सेवा की, जो गोविंद देव जी प्रकट हुए थे श्री रूप गोस्वामी के कृपा के कारण, उसी गोविंद देव के जी की सेवा रघुनाथ भट्ट ने किया, और इनके ही एक शिष्य ने गोविंद देव जी में की भव्य सेवा पूजा की व्यवस्था की, यानी भव्य मंदिर का निर्माण किया, साथ ही साथ भगवान के लिए जो वस्त्र हैं, जो आभूषण अलंकार हैं, ये सबकी व्यवस्था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य ने किया। तो उसी बात को यहाँ पर वर्णन है। गोविंदा चरणे कैला आत्मसमर्पण,
गोविंद चरणार बिंद जार प्राण धन। निज शिष्य कही गोविंदे र मंदिर कराइला, बंसी मकर कुंडला दे भूषण करी दिला। और साथ ही साथ ग्राम में वार्ता ना सुने ना कहे जिहवाय, कृष्ण कथा पूजा दित कृष्ण कथा पूजा दीते अष्ट प्रहर जाय। ये कभी भी फालतू बात नहीं करते थे, भगवान की बात छोड़कर कोई संसारिक बात में रुचि नहीं लेते थे, 24 घंटे कृष्ण कथा और कृष्ण नाम का ही उच्चारण करते, और यदि कोई किसी की निंदा भी करता था तो ये निंदा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, किसी की निंदा नहीं सुनते थे। वैष्णवेरा निंद कर्म नाही पाड़े काने, सबे कृष्ण भजन करे एई मात्र जाने। तो ये वैष्णवोत्तम है, ये वैष्णव के सबसे ऊंचे स्तर पे हैं। तो जो ऊंचे स्तर पे हैं वे अन्य निंदा आदि शून्यम, वे किसी के निंदा में रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इतने विनम्र होते हैं कि वे सोचते हैं कि सभी तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, मैं ही एकमात्र हूँ जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वे किसी प्रकार की निंदा नहीं करते, न करते हैं और न सुनते हैं। ये श्रुतिधर थे, इन्होंने ऐसे सीधे सीधे बहुत ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन अपने भागवत पाठ के द्वारा इन्होंने कई लोगों को के जीवन में भक्ति का संचार किया, हरि नाम का प्रचार किया। महाप्रभुर दत्तमाला मनेर काले, प्रसाद काड़ा रस बांधिले न गले। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु को द्वारा दी गई तुलसी माला और जगन्नाथ जी के प्रसाद को निकालते, उन्हें एक साथ बांधकर गले में पहन लेते। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ भट्ट की लीलाओं का वर्णन किया है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अंतिम दिनों में राधा कुंड के निकट चले गए और वहीं पर भजन करने लगे, और ज्येष्ठ के महीने में, ये कौन सा महीना चल रहा है, वैशाख, इसके बाद अगला महीना कौन सा है, ज्येष्ठ, यानी अगले महीने में शुक्ल पक्ष में दसवीं के दिन 1579 ईस्वी में वही संसार से प्रयाण कर गए और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गए। तो ऐसे थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो 6 गोस्वामियों में हमने श्रील सनातन गोस्वामी की जीवनी देखी, हमने श्रील रूप गोस्वामी की जीवनी देखी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, 2 गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और सबसे छोटे श्रील जीव गोस्वामी, इनका हम जीवन चरित्र आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।